अमरदीप सिंह शेरगिल मेमोरियल कॉलेज वालों करवाए जा रहे अज दे इस वैबीनार दे विच मैनू ये मौका देने दे लई सब तो पहला मैं प्रिंसीपल डॉक्टर गुरजंट सिंह अते इस वैबीनार दे कन्वीनर डॉक्टर चरणजीत कौर जी का धन्यवाद करदा। आप जी दे कॉलेज वालों गुरु तेग बहादुर जी दे 400वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित वैबीनारां दी लड़ी दे विच ये मेरा दूसरा लैक्चर है, भाव कि मैनूं दूसरी बार गुरु तेग बहादुर जी दे संदर्भ दे विच गल करन दा मौका मिल रहा है। सो पहले भाषण दी लगातारता दे विच जित्थों तक मैनूं याद है कि पहला आपां गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन के बारे गल की सी, अज आप गुरु महाराज के जड़ा जीवन दर्शन है उन्हों जीवन दे विच लागू किदा करना, भाव यह विशा अपलाइड फिलोसफी के नाल संबंधित है। आम तौर पर असी सैमीनार वैबीनार जा वड्डे वड्डे समागम कर लैंदे आ, परंतु उन्हां समागमां दा उन्हां वैबीनारां दा साढ़े अपने जीवन दे विच की लाभ जां असी लाहा की लैणा इस संदर्भ दे विच बहुत घट विचार कीता जांदा। अपलाइड फिलोसफी दा मतलब जे आपां सधारण भाषा दे विच गल करिए कि गुरु तेग बहादुर जी दीआं जिहड़ीआं टीचिंग्स ने उन्हां नूं अपने जीवन दे विच असी किदां लागू करना। सो जदों असी अपलाइड फिलोसफी की गल करते हैं या सोशल थॉट की गल करते हैं तो समाजिक चिंतन का आरंभ कदों होया कितों होया ये संदर्भ दे विच विद्वानां दी इक राय बनती है कि मनुख दीआं बुनियादी लोड़ां तो बुनियादी लोड़ां ने रोटी कपड़ा ते मकान इन्हां दी पूर्ति दे लई मनुख ने सोचना शुरू किया। इसे सोच तो ही अगे फिलोसफी डिवेलप हुई ते जदों इन्हां लोड़ां नूं असी अज दे संदर्भ दे विच जां गुरु तेग बहादुर साहब दे संदर्भ दे विच देखणा जां समझणा तां मैनूं इक धर्म दे विद्वान पॉल टिलिच दी इक सिधांत दे विच्चों इक धारणा तुहाडे नाल सांझी करनी चाहांगा। पॉल टिलिच ने कहा कि जिहड़ियां इह बुनियादी लोड़ां ने जिद्दां रोटी कपड़ा ते मकान इह आपां गल कीती है, वह कहिंदा कि इह लोड़ां तां जानवर भी पूरियां करदे ने, पशु पंछी भी पूरियां करदे ने, मनुख किहड़ी गल करके इहनां तों वक्खरा है। तो पॉल टिलिच कहिंदा कि मनुख दे जिहड़े स्पिरिचुअल कंसर्न ने उहदी जिहड़ी अध्यात्मकता है उहदी जिहड़ी आत्मकता है अपनी आत्मक ज्ञान नूं हासिल करन दे लई मनुख बाकी पशु पंछियां दे नालों वक्खरा है। आपां इस संदर्भ दे विच अगे जाके गल करांगे। जे आपां भूमिका वजों गल करिए तां विश्व दे प्रसिद्ध समाज विज्ञानी अमाइल दुरखीम ने सिधांत दिता है कि जिहड़े आधुनिक समाजां दे मुकाबले पुराने समाजां दे विच एके दी भावना ज़्यादा हुंदी सी, प्राचीन लोग कुदरती आफतां खूंखार जानवरां बीमारी जां हर तरह की मुसीबत का टाकरा आस विच रल मिल के करते सी। मैं अपनी गल नूं थोड़ा जिहा रोक के अज सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के प्रसंग च गल करांगा। तुसीं देखदे हो कि इन्हां दिनां दे विच ऑक्सीजन की किन्नी घाट है, ऑक्सीजन दे लई लोकी मारा मारी कर रहे ने जां काला बाजारी हो रही है जां उन्हां दा मुल बट्टिया जा रहा है। कि जदों असीं प्राचीन समाजां ते आधुनिक समाजां दे विच रिस्पोंसिबिलिटी दे प्रसंग दे विच नखेड़ा करांगे तां प्राचीन समाज अपनी जिहड़ियां समस्यावां ने चाहे उन्हां ते कुदरती आफत आउंदियां जां उन्हां दी बीमारी आउंदी उह रल मिल के टाकरा करदे सी, परंतु जिहड़ा आधुनिक समाज है आधुनिक समाज दे विच टुट भज ज़्यादा पैदा हुई है। रिस्पोंसिबिलिटी की जेकर आप गल करिए कि जिहड़े आधुनिक संगठन ने उन्हां दे विच हर जिम्मेवारी हर एक की जिहड़ी जिम्मेवारी है वह निश्चित की गई है। उद्योगिक ते पूजी समाजां दे विच कम वंड दे नाल मनुख की जिम्मेवारी भी वंडी गई है। जदों तुसीं जिम्मेवारी की वंड कर दोगे
ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਆਪਾਧਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਥੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਲਿਖਤ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਖਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
पहली गल तो हैगी अंडरसटैंडिंग इनलाइटनमेंट जागना जिदा अज का जोड़ा वैबीनार है प्रिंसीपल डॉक्टर गुरजंट सिंह जी ने जागण तो शुरू किया। सो पहला पक्ष असी जागण की गल करांगे, दूसरा पैशन है, तीसरा सोशल कंसर्न, चौथा साड़ी जिहड़ी चॉइस स्वै चोण भय मुक्त अते विश्वास। इन्हां पंजां नुक्तां दे उत्ते सानू गुरु तेग बहादुर साहिब की समझाउंदे ने आपां ओह गल करांगे। सो जदों असी गल करदे हां कि अंडरसटैंडिंग दी जां अंडरसटैंडिंग दे पक्खों जदों गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी दा पाठ करिए तां जो मैं अज दा विशा लिया इस विशे नाल संबंधित जेकर तुसी शब्दां दी सीधी चोण करोगे तां शायद तुहानूं एक जां दो शब्द मिलणगे, परंतु गुरु महाराज की सारी बाणी मन नूं संबोधित है जां साधकां नूं साधो दे लई जां इहदे विच भजन दी नाम सिमरन की गल बार बार कही गई है। सो जदों असी इस प्रसंग दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब की गल करते हैं तां गुरु महाराज ने सानूं इह दस्सिया जिहड़ा सच है वह हर एक दे विच है। जदों असी कहिंदे हां कि जिहड़ी सेंस ऑफ वननेस क्रिएट्स सोशल रिस्पोंसिबिलिटी, सो जो वननेस आप गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी के लभनी हो गुरु महाराज कहिंदे कि सुख दुख सदा नरलेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे नरिंतर नानक दर्पण ने, कि जिहड़ा सुख दुख का सदा नरलेपी है साडे दे विच उस तरह जिस तरह एक शीशे दे विच साडा जिहड़ा आकाश है भाव जिहड़ा परमात्मा है जां सच साडे तो अलग नहीं है। इस करके गुरु महाराज ने कहा कि काहे रे वन खोजन जाई, ते अगे फिर यही दसदे आ कि सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। जदों असी सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई दे प्रसंग दे विच देखांगे तां गुरु महाराज की सिक्ख्या यह है कि जो कुछ साढ़े अंदर है वो होरना लोकां दे विच भी है। जदों असी सारयां दे विच सर्व सदा अलेपा का सिद्धांत अपने जीवन दे विच समझांगे तां साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी साढ़े निज तक नहीं रहेगी, साड़ी रिस्पोंसिबिलिटी उन्हां सारे लोकां दे लई होएगी जिथे जिथे वह परमात्मा जां वह सच समाया होया। सो जदों असी इस प्रसंग दे विच इह गल करदे हां कि लोग क्वेश्चन करते हैं, कई लोग कहिंदे अज दे समय दे विच जिहड़े सिख लोग ने ये बेअकल ने, आम तौर पर तो हुंदा कि सर्विस का लोग पैसा लेंदे ने परंतु ये निष्काम सेवा करते हैं, किसी तो कोई पैसा नहीं लेंदे, जीवन में भी अपने रिस्क पर पा के होरना लोगों की मदद करते हैं। होरना लोगों की मदद करना सेवा करना सिद्धांत यह है कि जिहड़ा परमात्मा जां जिहड़ी अंश साडे विच है वह होरना लोगों के भी है। सो इस करके जिहड़ी अज की सोसाइटी है जिहड़ी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी तो भज रही है उहदे पिछे गुरु तेग बहादुर साहब ने दस्सिया कि यह कारण की है। इहदा गुरु महाराज कहिंदे कि धन दारा संपत सगल जिन अपनी कर जान, जिन्हें धन दौलत जां फिर जिहड़ी संपत्ति नूं अपनी करके जाणिया गुरु महाराज कहिंदे इन मैं कुछ संगी नहीं नानक साची मां। आम तौर पर की है कि अजकल असी अज के समय से देखते हैं कि लोगों को धन दौलत भी है परंतु फिर भी वो दौलत के होने के बावजूद अपने आपू बचा नहीं सकते। इहदा जिहड़ा हल है जां कारण की है कि जदों असी अपने हितों तो समूहिक हितों के लिए समर्पित होना है, इहदे लई गुरु महाराज अपनी बाणी दे विच सानू दसदे आ कि जिहड़ा मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत की है कि जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह हंकार, मेन मसला की है कि ममता दा है कि लोग अपने परसनल इंट्रस्ट के लिए दौलत इकट्ठी करते हैं तो लोभ तो मोह दे विच पए हुए ने। इन्हां लोगों के लिए गुरु महाराज कहिंदे कि जिहड़ा इन्हां नूं तजदा है तो वह प्राणी किदां दा होएगा, कहो नानक आपन तरे औरों ले तदार। पहली गल तो यह है कि तुसी आप इनलाइटन होना, आप तरना, फिर होरना नूं तारना। इत्थे गल जिद्दां असी सन्यासियां दी गल करदे हां साधुआं दी गल करदे हां
वह केवल अपने परसनल इंटरस्ट के लिए अपने परसनल अटेनमेंट के लिए जंगलों के जाते सी या समाज तो दूरियां पाते सी, परंतु गुरु महाराज ने जिहड़ा सानू दस्सिया कि आप अंतरे औरों लेत आधार, ये गल सानू बड़ी इंपोर्टेंट लगती है। तो दूसरा नुकता जिहड़ा आपां गल कर रहे सी कि पैशन आवेश मनुख अंदर समाजिक रिस्पोंसिबिलिटी चुकन दे लई जब तक पैशन नहीं होएगा, जब तक जोश नहीं होएगा, जब तक जज्बा नहीं होएगा, तो उहदे विच इक सकारात्मक भाव पॉजिटिव एनर्जी नहीं होएगी। असी अज दा जिहड़ा मॉडर्न सोसाइटी दा मनुख है वह शक्ति दे नाल जुड़िया है। गुरबाणी सानू एक ऊर्जा दे नाल जोड़दी है, ऊर्जा ते शक्ति दे विच फर्क है। शक्ति साडी होमे वधाउंदी है, ऊर्जा दे नाल साडे विच पैशन एक जोश आउंदा है। वह जोश जिहड़ा असी सेवकां दे विच उदों देखदे आ जदों सोशल रिस्पोंसिबिलिटी निभाउंदे होए सेवा करदे आ, ते इह आउंदा कित्थों है। इहदे लई गुरु महाराज ने सानू इको शब्द दे राहीं इह भेद समझाया। गुरु महाराज कहिंदे कि राम सिमर इहो तेरे काज है, माया को संग त्याग प्रभु जू की शरण लाग। ते अज दा जिहड़ा मनुख है वह केवल माया दे चक्करां दे विच उलझा होया। सो इत्थे जदों असीं माया दे त्याग की गल करते हैं तो एक इंपोर्टेंट शब्द गुरु साहब का होर सानू इस प्रसंग दे विच समझ लेना चाहिए कि गुरु महाराज कहिंदे कि मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही दारा मीत। जिहड़ी इंपोर्टेंट गल आप इत्थे करांगे कि दारा मीत पूत रथ संपत सन पूर्ण सब मही, कि मनुख की है पति पत्नी औलाद गड्डियां जायदाद हर प्रकार की जिहड़ी पूंजी है इहदे विच सारा जगत उलझा है, परंतु ये नहीं जानता कि यह सब कुछ मिथ्या है, ये सच नहीं है, सच राम है। तो जदों तुसीं सुभाविक ही अपनी जिहड़ी मनुख की जिम्मेवारी बन जाएगी कि जिहड़ा मनुख इन्हां चीज़ां दे विच अपना जीवन इन्हां चीज़ां नूं अपना जीवन समझेगा वह दूसरे पासे नहीं जाएगा। जिसने ये समझ लिया कि यह माया दा रूप ने, यह परमानेंट नहीं है, परमानेंट स्थिर की है सच है। असीं मनुख जीव ने इत्थे सदा नहीं रहना, मनुख स्थिर नहीं है। ये गल मनुख की जदों तक समझ दे विच नहीं आउंदी उदों तक मनुख अपने परसनल इंटरस्ट दे लई इदां दी जिहड़ी धन दौलत दे पिछे लग्या रहेगा। सो इस करके गुरु महाराज की जिहड़ी बाणी दे विच ये पता लगता जदों असीं पाठ करदे हां कि गुरु महाराज मन नूं समझाउंदे ने कि सानू इस पासे वल आउणा चाहीदा। सो तीसरा जिहड़ा पक्ष सोशल रिस्पोंसिबिलिटी दे लई इंपोर्टेंट है वह है कि सोशल कंसर्न अपने निजी कंसर्न दे नालों सोशल कंसर्न इंपोर्टेंट समझन दे लई गुरु महाराज सानू यही गल दसदे कि जो प्राणी निस्दिन भजे रूप राम तहजान हर जन। इंपोर्टेंट गल जिहड़ी महाराज दी इत्थे आपां गल करांगे, हर जन हर अंतर नहीं नानक सच्चे मान। जदों असीं सेवा की गल करते हैं आम पब्लिक की सेवा जीव जंतुआं की मनुखां की सेवा का मतलब हरी की सेवा के बराबर है। दूसरे लोगों की सेवा करनी, दूसरे लोगों की संभाल करनी, दूसरे लोगों लई कम करना, सोशल वैलफेयर के लिए कम करना, हरी दे लई कम करना, वह हरी भजन के बराबर काम है। जे असी इस चीज़ को समझ लवेंगे भाव कि यह हरी की सेवा के बराबर है, परंतु इस तो उल्ट की हो रहा है। जिहड़ा असी मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी दे विच की देखते हैं कि जिहड़े पासे असी दुनिया लगी हुई है ये तो हटाउण दे लई गुरु महाराज ने सानू एक गल समझाई है। गुरु महाराज कहिंदे कि सुख में बहु संगी भए, दुख में संग ना कोए, कहो नानक हर भजन मना अंत सहाई होए। जिथे असी पहला गल की कि हरी की सेवा, हरी का भजन, हरी की सेवा का मतलब कि गुरु महाराज ने बनाया कि जिहड़ा समाज के लिए सोसाइटी के लिए संगत के लिए काम करना है वह साडे लिए इंपोर्टेंट है, परंतु जिहड़ा तुसी जिस सुख के लिए तुसी कहने हो जदों तुसी सुखी हो तां तुहाडे बहुत संगी होणगे, परंतु जदों दुख के विचों तां तुहाडा कोई भी संगी साथी नहीं होएगा। सो हर भजन के नाल मनुख अपनी होंद
ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੈ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜੱਗ ਕੋ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੱਚ ਫਿਰ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਖਾਏ, ਕਿ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲਮੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹਿ ਕਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੁਮ ਪਾਵੋ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਕੇਲਾ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਹੀ ਤਿਆਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਾਗਿਓ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਬਾਰ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਗਏ ਹੋ, ਰਾਵਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ,
कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार, कि जिहड़ा संसार है ये धुएं का भंडार है, बंदर की न्याई है, ये जो उपजे सो विंस है, कि जिहड़ी चीज़ पैदा हुंदी है उन्हें खत्म होना है। सो इस करके मनुख नूं चिंता मुक्त होने की लोड़ है। सो जदों आपां इस प्रसंग दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नूं समझांगे तां आटोमैटिकली साढ़े अंदर सानूं सच समझना पएगा। तो सच की है, जदों असीं अपने आप बारे समझांगे असीं की हाँ, जिथों आपां पहला क्वेश्चन किया सीगा, ते अपने बारे समझाउण दे लई कहिंदे कि पांच तत्त को तन रचियो जानो चतर सजान, जिहते उपजो नानका लीन तह मैं, कि जिथों असीं पैदा होए उत्थे असीं चले जाणा, फिर असीं इन्हां चीज़ां दे विच असीं क्यों उलझदे हाँ। सो मनुख नूं झूठे माण वा नहीं करना चाहिए, कि झूठे माण कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कुछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। सो जिथों आपां दूसरा जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी का एक पक्ष होर है, कि जिहड़ी उन्होंने यात्रावां ने, मैं संखेप दे विच ही गल करके पाँच सत्त मिनटां च अपनी गल खत्म करांगा। यात्रावां दे विच जिथे जिथे गुरु महाराज गए उत्थे उन्होंने अपने हुक्मनामे जारी किए। उन्होंने हुक्मनाम्यां तों सानूं पता लगेगा कि गुरु महाराज के जीवन का उद्देश की सी। जिदा पिछले लैक्चर दे विच मैं तुहानूं दस्या सीगा कि प्रोफेसर प्रीतम सिंह जी ने एक किताब एडिट की सी उस समय नौ निध, उस किताब दे विच प्रोफेसर प्रीतम सिंह, विद्यार्थी नूं मैं दस दवां कि प्रोफेसर प्रीतम सिंह पंजाबी दे की पंजाब दे बहुत उच्च कोटि दे विद्वान होए ने, जिन्हां ने अमृतसर यूनिवर्सिटी दे विच डिपार्टमेंट ऑफ गुरु नानक स्टडी चलाया, तो बहुत उच्च पाए दीआं किताबां लिखियां ते संपादन कीता, ते उन्हां दे पढ़ाए विद्यार्थी वख-वख कॉलेजां यूनिवर्सिटीआं दे विच कम कर रहे ने, ते सारी इह गल मंनदे आ कि प्रोफेसर प्रीतम सिंह बहुत वड्डे विद्वान सी। ते उन्हां ने जिहड़ी किताब लिखी है यादगारी लेखां दी किताब, जिहदा उन्हां टाइटल है नौ निध, वह किताब दे विच उन्हां गुरु महाराज दे हुक्मनामिआं दी खोज करके एक लेख लिखिया, जिहदा सिरलेख है गुरु जी दीआं असीसां। सो असीसां दा विश्लेषण करके उन्होंने 22 हुक्मनाम्यां दे विच्चों 94 असीसां दसियां ने। सो जदों असीं उन्हां गुरु साहिब दीआं असीसां दा प्रोफेसर प्रीतम सिंह जी वल्लों कीते विश्लेषण नूं समझांगे तां सोशल रिस्पोंसिबिलिटी दा सानूं अपने पता लग जाएगा। थोड़ा टैक्नीकल जिहियां गल्लां ने, जिद्दां उह कहिंदे कि 27 असीसां ने जिहड़ियां, भाव 28% इन्हां दा संबंध सुरक्षा दे नाल, 14 दा रुजगार जां कमाई दे नाल संबंध है, 14 असीस अजिहियां ने जिन्हां दा इच्छा पूर्ति दे नाल संबंध है, 13 दा अपणत्त ते आशावान दे नाल संबंधित ने, 11 भलाई नाल संबंधित ने, 9 सेवा स्वीकृत दे नाल संबंधित ने, 6 दा जीवन सुधार दे नाल संबंधित है। इहदे तों अखीर दे विच प्रोफेसर प्रीतम सिंह ने अंत दे विच इह गल कही है कि गुरु साहिब दे अपने हुक्मनामिआं दे विच अपनी सिख, मैं कोट करदा, अपनी सिख संगत दी आर्थिक खुशा सवादीनता नूं पक्का बनाउण वालियां समूहिक असीसां रुजगार ते रिज़क वालियां तों छुट, गुरु साहिब ने कोई अजिही असीस नहीं दित्ती जिहदा किसी लोड़वंद व्यक्ति नूं सीधा जां निसंग अपनी जां अपने परिवार दी जां किसी कारज विधि दे नाल जोड़ सके। कहिंदा मतलब गुरु महाराज दे हुक्मनामिआं दे विच्चों किसी व्यक्ति विशेष के लिए गुरु महाराज ने कोई इदां दी असीस नहीं दित्ती, समूह संगत दे लई कि गुरु संगत दी भली करे, सच्चे पातशाह संगत ते मेहर करे। इतों असी समझ सकते हैं कि गुरबाणी जां गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन भी सानू एक सोशल रिस्पोंसिबिलिटी वल लैके जाता। हुण आपां लास्ट पक्ष वल आईए, जिहड़ा मैं पहलां गल कीती सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन अनुभव दे राही जी आपां सोशल रिस्पोंसिबिलिटी नूं देखणा होवे तां इहदी जिहड़ी सिखर एक्सट्रीम ते गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत है। गुरु तेग बहादुर साहब दी जिहड़ी शहादत है इहदे विच सानूं उही पॉइंट
जेडे आप सोशल रिस्पोंसिबिलिटी दे विच देखे सीगे पंज ओ चार पंज पॉइंट जिस तरह समझ दी गल है पैशन है सोशल कंसर्न है स्वै चोण है भय मुक्त है ते विश्वास ये छे दे छे पक्ष जेडे बाणी दे विच आपां हुण डिटेल दे विच डिस्कस कीते ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी जेडी शहादत है उहदे राहीं अपने आप रूपमान होंगे ने उन्हां दी मैनीफेस्टेशन है भाव के गुरु महाराज ने जो बाणी दे विच किया अपने जीवन दे विच लागू करके दिखाया जिदा असी किया कि जिहड़ा साडा ये शरीर है पंज तत्त दा रचिया सो पंज तत्त दा रचिया तो शरीर नूं बहुत ही अहमियत दे नाल विचारां दी अहमियत है तो गुरु महाराज की शहादत दे विच यही होया सोशल रिस्पोंसिबिलिटी दे कंसर्न दे विच आपां छोटा जिहा एक नुकता होर सांझा करिए नुकता की है कि गुरु नानक पातशाह की असी गल करते हैं कि गुरु महाराज ने 20 रुपए का एक लंगर चलाया सी गुरु महाराज ने कहा कि जिहड़ी कैपीटल है कैपीटल किदां समर्पित करनी जो धर्म की असी गल करते हैं धर्म समर्पण है अपने आप का समर्पण है गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपए के नाल कैपीटल पूंजी की समर्पण का सिद्धांत दिता जिहड़ा अज लंगरां दे विच सोशल रिस्पोंसिबिलिटी सेवा दे विच जिहड़ा हर सिख किसी ना किसी तरीके दे नाल योगदान पा रहा है आपां समर्पण किदां करना है सैल्फ का तो इहदे लई गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत इस तों अगली गल गुरु महाराज कहिंदा कि मनुख अपने परिवार के नाल अपने संग साथियों के नाल लगे रहिंदे परंतु ये सच नहीं है इस गल नूं प्रगट गुरु महाराज के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने जाहर करके दिखाया कि जिहड़ा परिवार नूं सोशल काज दे लई किस तरह समर्पित करना तो गुरु जी दे साहबजादियां दी जिहड़ी शहादत है वह इस गल का प्रमाण है सो जदों असी गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दे विच देखते हैं कि उन्हां दे विच पैशन है आप चल के गए शहादत देने दे लई दुनिया च तुहानूं इहदी किते मिसाल नहीं मिलेगी दूसरी गल ये शहादत दी उन्होंने आप चोण की मैं कई बारी कई लैक्चरां दे विच गल कीती है कि असी गल कहने कि गुरु महाराज ने कुरबानी दिती कुरबानी तां किसी दूसरे की दिती जाती है आप बचाया जाता अपने आप को समर्पित करना तो शहादत है जिदा असी पहला लोग आ जाते सी लोग की कहिंदा कि कोई दैंत आ गया असी लोग कहानियों च सुनते हैं वो तो छुटकारा पाने लोग कुरबानी दे देंदे सी किसी बंदे की जा जानवरां दी लोकी करवानी दिंदे कि असी आप बचिए गुरु महाराज ने अपनी चॉइस अपने आपे नूं समर्पित करन दे भी इहदे विच चॉइस है इहदे विच कमिटमेंट है कमिटमेंट के गुरु महाराज नूं शर्त रखी गई सी कि तुसी अपना धर्म त्याग दो जा इही जिहड़ी आपां कैपेसिटी दी भी आपां गल करांगे कि सोशल रिस्पोंसिबिलिटी दे विच इह गल दी भी परख हुंदी है कि तुहाडे विच योगता है कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी को इस करके आए कि उन्होंने पता सीगा कि इस काज के लिए गुरु जी ही एको एक समर्थ शख्सियत ने जिन्होंने उन्होंने धर्म की रक्षा करनी होर किसी ने दे विच ए योग्यता नहीं है सो सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के नाल जिहड़ी कैपेसिटी कैपेबिलिटी इहदा होना भी जरूरी है कमिटमेंट तो गुरु महाराज अपने काज के लिए कमिटड सी उन्होंने सामने उन्होंने सिखा शहीद किया गया उन्होंने तशीहे दिते गए ये इतिहासकार अपन लिखतों के दसते हैं परंतु गुरु तेग बहादुर साहब अखीर तक अपनी गल के उत्ते अडोल रहे तो फ्रीडम बिना फ्रीडम तो सिक्योरिटी नहीं होंगी तो गुरु महाराज ने जिहड़ी ह्यूमन फ्रीडम के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी शहादत दी सो मैं अखीर दे विच यही गल करांगा कि गुरु तेग बहादुर जी के जीवन तो बड़ी सिक्ख्या मिलती है कि मनुख समाज दे विच रहिंदा होया अपनी जिम्मेवारी नूं समझे इस काज दे लई जेकर जरूरत पवे तां ओह अपना आपा भी समर्पित कर देवे ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कमेंट दे राहीं साडे नाल अपने विचार जरूर सांझे करो ते इस चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर करो जेकर तुसी ये चैनल सबसक्राइब करोगे तो सानू बहुत अच्छा लगेगा धन्यवाद।